अवतल दर्पण में ए तथा पी के बीच में किसी बीम को रखेंगे तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो बनाएंगे। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। अवतल दर्पण का जो सरफेस किस तरफ घुसा हुआ, अंदर तरफ, तो पॉलिश किधर रहेंगे, बाहर साइड में, इस साइड में। इसके बाद क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष या फिर प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें क्या होता है, ये पी, यहाँ से ये ए, फिर ये जितना होता है उतना लगभग सी। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच यहाँ पे रखते हैं, ठीक। अब हमने बता चुका हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनने के लिए कितने रेज का इंटरसेक्ट होना होता है, दो। तो अब यहाँ पे कैसे ले जाएंगे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे पहले सब क्या करते थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते थे, फोकस से पास करवाते थे, लेकिन इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि फोकस पीछे है, तो फोकस से कहाँ पास हो पाएगा, बात नहीं समझा। इससे पहले जैसे ही मान लो सपोज हम एक अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को हम रखते थे कहाँ, मान लो अनंत में रखते थे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते थे तो किससे पास होता था, फोकस से। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो एफ से पीछे था, लेकिन इस केस में देखो एफ से आगे है, तो पैरेलल लेके जाएंगे तो एफ से पास ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ से एक रेज, ये जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष में यहाँ पे इंसिडेंट कराना है, ये इसकी नॉर्मल बन गया, फिर इस रास्ते से निकल जाएंगे, समझा। ये आई एंगल हुआ तो ये क्या होगा, आर होगा, पढ़ चुके हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं ए बी, और एक रेज सी से पास कराएंगे, किससे, सी से। तो सी से पास कराना है तो सी और थोड़ा पीछे कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा दूर हो गया है, तो ये सी है मेरा, ठीक। तो ये लेके गए, बताओ ये इस रास्ते से, जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते से वापस होता है, सी का नियम ये है, समझा कि नहीं। ये ऑब्जेक्ट से रेज यहाँ गया, ये किधर से पार हो गया, सी से, मतलब सी से जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से आता है। अब इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है रेज, दिख नहीं रहा इंटरसेक्ट, तो इसके लिए क्या करोगे, ये रेज को बैकट्रेट करना है, पीछे तरफ बढ़ाना है, ये वाला, ये पी नीचे लिखते हैं, ये वाला रेज को पीछे बढ़ा दो और ये वाला रेज को पीछे बढ़ा दो, बढ़ाया और इसको भी हम बढ़ा देते हैं, ये पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट होगा ना, देखो यहीं कहीं कट हो गया, तो यहाँ कट हुआ, ये बी था, ये क्या हो जाएगा, बी डैस ए डैस बन गया, समझा कि नहीं, क्या कि हम समझ में आया। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था कैसे हुआ, पीछे तरफ हम बैकट्रेट करवाया हूँ ये रेज को और इस रेज को, तो पीछे जा करके कट हो गया, तो यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक ना, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना। तो देखो एक ही खाली केस है अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, कब, जब पी और एफ के बीच में बीम को रखते हैं। बीम को कहाँ रखा मैं, पी और एफ के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इमेज मतलब प्रतिबिंब, मिरर के पीछे, समझे कि नहीं समझे, मिरर के पीछे बना। और देखो ऑब्जेक्ट जितना था इमेज उससे बड़ा हुआ कि नहीं, बड़ा भी होता है। और इस केस में देखो जिधर इमेज है उसी साइड में है कि नहीं, सीधा, उल्टा नहीं होता इसमें, इसमें सीधा, बाकी केस में सब क्या होता था, उल्टा।
एक ही केस खाली बड़ा भी होंगे सीधा भी होंगे और क्या था आवाजी, ये रियल इमेज नहीं बनता है। इससे पहले जितने भी इमेज बनता था रियल बनता था, इस केस में आवासीय मतलब इमेजिनरी इमेज आवासीय बनेगा। ठीक आभासी सर, ठीक ना, क्या बनेगा आवासीय, समझ में आया? तो इसको जल्दी से नोट कर लो।